मेरे प्यारे लाडलों, सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। एक सूफियों का बहुत बड़ा गांव था, वहाँ तमाम सूफी संत थे और उनके गांव में एक बार गुरु नानक देव आए। जब गुरु नानक देव आए तो गुरु नानक देव जी गांव के बाहर एक कुआं था, वहाँ पर अपने चेले मर्दाना के साथ ठहर गए। जब सूफी संत के मुखिया को पता चला कि गुरु नानक देव आए हुए हैं, उसे बड़ा क्रोध आया। उसने अपने एक नौकर के हाथ से एक कटोरा दूध बिल्कुल लबालब भरा हुआ, जिसमें एक बूंद और भी समा नहीं सकती थी, गुरु नानक देव के पास भिजवा दिया। गुरु नानक देव ने बगल की झाड़ी से ही एक फूल तोड़ा और दूध के ऊपर रखकर उसे वापस भेज दिया। फूल का तो कोई भार होता ही नहीं, वो तैरने लगा, चला गया। मर्दाना बोला, जो उसका चेला था, कि गुरुदेव जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या रहस्य है? आपने भरा हुआ दूध का कटोरा वापस लौटा दिया, वो भी उसके ऊपर फूल रखकर, इसका क्या मतलब हुआ? गुरु नानक देव बोले कि यहाँ का मुखिया कहना चाहता था, यहाँ पहले से ही सब परम ज्ञानी है और तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तो मैंने भी उस पर फूल तोड़कर डाल दिया, क्योंकि फूल का तो कोई वजन ही नहीं होता, और वो तैर के चला गया। अर्थात मुझे आपसे जगह नहीं चाहिए, मुझे यहाँ रहने के लिए स्थान नहीं चाहिए, मैं तो इसी में खुश हूँ। तो मेरे लाडलो, जिसके अंदर विनम्रता होती है, सज्जनता होती है, मानवीय गुण भरे होते हैं, वो फूलों की तरह तैर जाता है, और जो व्यक्ति अहंकारी होता है, वो घृणा, नफरत, अहंकार और दुनिया भर की बुराइयों से के बोझ तले दबा रहता है। तो हमें फूल की तरह बनना है, जिसका कोई अपना भारी नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हे प्रभु जो कुछ भी तूने दिया सब तेरा ही है, मैं किस बात का अपना अहंकार करूँ। तो मेरे लाडलो, इन्हीं शब्दों के साथ टाटा बाय बाय।